मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में मेला घूमने आए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से चढ़ने वाले खिचड़ी में श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। वहीं श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने और गुरु गोरखनाथ के दर्शन के बाद मेला परिसर में लगे झूले का जमकर लुत्फ उठाया, जहाँ तमाम प्रकार के झूले लगे थे, जिसमें ब्रेक डांस, मैजिक डांस, बड़ा झूला, मौत का कुआं, गन शूट शामिल है। मेले में लगी प्रदर्शनी और चल रहे जादू का लोगों ने आनंद उठाया। मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर मेले में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हम कई वर्षों से खिचड़ी का मेला घूमने आते हैं, यहां बहुत भव्य मेला लगता है। यहां पर तरह तरह के झूले व तरह तरह की प्रदर्शनी या खाने पीने के स्टॉल और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, जरूरत के सामान, बर्तन और घर में उपयोग करने वाली चीजें उपलब्ध रहती हैं। श्रद्धालुओं ने कहा, यहाँ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा भव्य मेला हमने अभी तक नहीं देखा। यहाँ तमाम प्रकार के झूले मेले में लगे हुए हैं, जिनका अधिकतम किराया 50 रुपए है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर मेला घूमने आए श्रद्धालु धीरज यादव, आदित्य पांडे, अजय यादव, मनीष ठाकुर ने कहा। सुमन जी, सुमन और किरण, बुरेली, कमलेश जी, आपका इंतजार करें, मेला थाना पे आइए। अगर हमारी आवाज आ रही है, सुमन जी, मेला को विजय लक्ष्मी जी, आप बड़े के केंद्र पर कर रहे हैं, आप आवे और अपने पति चेक कर लीजिए, ध्यान खोलो तब तो गली गली अपना गली गली है।
जिनकी लिखी है अपना अपना 30 रुपए का टिकट है। चली चली टिकट यहाँ मारुति कार वाले सरकस का गली गली अपना गली गली के टिकट लीजिए। डर तो निकल गया। मेरा नाम मनीष ठाकुर है। खिचड़ी के मेले में हम पहले अपने परिवार के साथ एक बार आए थे और खिचड़ी चढ़ाने के लिए, और अभी हम लोग यहाँ पर रहते हैं गोरखपुर में ही। तो यहाँ पे हर साल पिछले 2 सालों से आ रहे हैं और इस साल मतलब क्या ही बताएं आप सबको, मेले में कि मतलब क्या बताऊँ आपसे कि कैसा लग रहा है अनुभव, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा इतना इंजॉयमेंट। और ये फिर से गोरखनाथ बाबा का दर्शन किया हम लोग, वहाँ खिचड़ी चढ़ाने जब गए थे घर से बनवा के आया था हमारे, बहुत ही खुश है हम लोग। कहाँ से आए हैं हम? कुशीनगर से लिमकर बाजार। मेरा नाम अजय यादव है, हम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ डिग्री भी पढ़ते हैं। अभी तो यहाँ पे मेरा सेकेंड ईयर है, डी डी सी बी एस ई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर है यहाँ पे, पहली बार आ रहा हूँ मेरा देखने। मुझे मेरे दोस्तों ने हॉस्टल में बहुत बताया कि यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी का मेला बहुत भव्य लगता है, और हमको आने पर अनुभव हुआ कि यहाँ पे इतनी समझ जाए इतनी जनसंख्या आई है। जनसंख्या के साथ साथ प्रशासन यहाँ पे बहुत सपोर्ट कर रही है हर एक चीज से। कोई भी आदमी अगर छूट जा रहा है तो उसको यहाँ पे अनाउंस करवा रही है। तो यहाँ पे समझ जाइए गोरखनाथ मंदिर में बहुत अच्छा मेला लगा है, देखने में बहुत खुशी हो रही है। हम अपनी लाइफ टाइम में शुरू से हॉस्टल में रहे हैं, अब तक इतने बड़े मेला कभी देखे नहीं है। मेरा नाम आयुक्त पांडे है, मैं बिहार बक्सर का रहने वाला हूँ। पहला साल है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुना था कि मतलब यहाँ पे मेला में इतना भव्य तरीके से मनाया जाता है, सब कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बाकी बाबा का मशहूर ही है यहाँ पे,
कि कैसा क्या है यहाँ पे, मतलब खजड़ी यहाँ का मशहूर है। धीरज यादव, धीरज जी कितने साल से यहाँ मेले में आ रहे हैं? ये मेरा पहला साल है यहाँ आके, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मेला लगा है और यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। मेले का इंतजार है बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। मैं पटना बिहार से हूँ, यहाँ डिग्री यूनिवर्सिटी में BSc AG कर रहा हूँ। सूरज जी बताइए, आपका यहाँ कितने झूले लगे? कम से कम 12-12 लगे। कौन कौन से झूले हैं? बिरगदान झूला, सलम्बो झूला, नाव झूला, रेंजर झूला, टावर हवाई झूला, बैगन झूला। इस बार नए कौन कौन से झूले लगे हैं? दो झूले नए आए हैं, रेंजर टावर। गरीब बांध का है 50 रुपये, सलेम्बो का है 50 रुपये, नाव का है 50 रुपये, पैगन का भी 50 है और बड़े वाले झूले का है 40 रुपये। एक बार में कितनी कैपेसिटी होती है बैठने की लोगों की? एक झूले में कम से कम 40 आदमी बैठते हैं। कितने बजे तक झूले चलते हैं? 6 राउंड, 10-15 मिनट चलता है। सुबह कितने बजे से शुरू होता है? 7 बजे। और शाम को कितने बजे तक चलता है? 11 बजे। कहाँ से हैं? सीतापुर से।